थाम थाम पीछे लो। अभी हम लोग जा रहे थे खड़खड़ डैम और हमें यह नज़ारा दिखा और हमने यहाँ पर रुकने का फैसला लिया है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और फिर रात हो जाएगी। तो हम लोग आ गए हैं शिमला, शिमला नहीं है बट शिमला जैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत जो लुक है उसकी, जो जो घाटियाँ हैं वो कुछ वैसा ही कुछ लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। दोस्तों इस समय हम दाभोसा वाटरफॉल से खड़खड़ डैम की तरफ जा रहे हैं। दाभोसा वाटरफॉल से खड़खड़ डैम की जो दूरी है वो 13.5 किलोमीटर है। यह वाड़ोली रोड है जो कि हमें खड़खड़ डैम की तरफ लेकर जा रहा है। यह रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं है पर इसे मैं ख़राब भी नहीं कहूँगा। ओह माय गॉड, क्या हवा है, मौसम मस्ताना। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मौसम इस समय एकदम सुहाना है। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बारिश नहीं हो रही है, छोटी छोटी बूंदाबांदी थोड़ा बहुत हो जा रहा है और यही मौसम सबसे बेस्ट लगता है जब आप कहीं पर टूर करने के लिए जाते हैं। खड़खड़ डैम इकड़े है ना, ये अपना दाभोसा वाला रास्ता है, दिखा दिया। दोस्तों ये खड़खड़ डैम है और यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। अभी तो ये सूखा लग रहा है पर यहाँ से भी पानी गिरता है। डैम है, डैम का मतलब ही होता है कि पानी को रोक कर रखे, और अभी मानसून की जैसे कि शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी पानी का फ्लो आपको दिखाई देने लगेगा। अगर जौहर में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आ जाइए, ये भी जगह देखने लायक है और आपको देखनी चाहिए। खड़खड़ डैम से दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिरपामल के लिए। शिरपामल एक ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस है जिसे 1995 में जवाहर म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट राजाराम मुकने ने बनाया था। शिरपामल खड़खड़ डैम से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जवाहर सिटी से शिरपामल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, तो इसलिए जवाहर सिटी से शिरपामल के लिए आना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आप सभी के लिए। गाड़ियाँ देखो, गाड़ी भी है क्या।
अरे सारा डीप तो होएगा ये छोला ना और ये डीप थोड़ा सा होगा ये देखो ज्यादा ही डीप था ज्यादा डीप था ये रुकना ही नहीं बहुत अच्छा दिखता है मालूम है क्या मम शिरपम पर हां शिवाजी का जो बोल दो हां तो वहीं चल रहे ना शिवाजी महाराज यहाँ पे रुके थे हाँ तो यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस चीज़ को बनाया शिवपम पार को शिवाजी महाराज रुके थे यहाँ पे जा रहे थे सूरत ना जभी लड़ाई करने नहीं कुछ तो करने कुछ तो था काम से तो यहाँ पे रुके थे तो मुगल लोग को ऐसा मतलब कि शिवाजी और क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं बाबा टायर वो घस रहा है टायर घस रहा है मतलब वो घूम रहा है एक ही जगह पे इसलिए तुम लोग को लग रहा है अब यहाँ रास्ता उसके आगे थोड़ा अच्छा है देखो इसको कैसे क्रॉस कर दे वही नहीं है आती क्या कभी इधर श्री क्या पीछे मुड़ के देख रही है कुछ नहीं कर रही अभी आगे है पत्थर डाल रहे हैं लोग रोड बनाना गाड़ी जाती है ना आगे इधर क्या हो गया पत्थर डाल रहे हो लोग कि गाड़ी फंसे नहीं दलदल हो गया है क्या करोगे अभी चलते ना अरे फंस जाएगी तो गाड़ी क्या बोला आएगी दबा के लाने के लिए बोल थम थम पीछे लो खडखडून परत त्या रस्त्याला लागा जवाहरला जाऊन जवाहरून अशी तर त्या रस्त्याला नाही काय पाहू किती किलोमीटर असेल 5-6 किलोमीटर जास्त कडे पण कुठं मोकडा जायचं का शिल्पमाल शिल्पमपाल शिल्पमपाल शिवाजी जहां शिवाजी है ना शिवाजी जी अरे कुछ मजा पड़ता है ना बताया शो करे नहीं गाड़ी तो नुकसान हो गया हो माहिती है मला गाडी पूर्ण बसली आता एवढं एक पण काय आहे बघा माझ्या गाडीत नळ आहे हां मी ओढून पण देईल तुम्हाला त्यासाठी थांबलो तो मी पण ती खाली चेंबर लागलं तर काय उपयोग मिट्टी मिट्टी जाईल तर ठीक आहे शिल्पमपाल काय म्हणतात काय म्हणतात काय म्हणतात शिल्प शिल्पमाळ काय म्हणते रे शिल्पला काय शिल्पमाळ 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 किती लांब आहे इकडनं इकडनं किती लांब हा रस्ता खराब आहे अरे तुम्ही लोक धपका द्या ना नाही बहुत खिचड यार बहुत दलदल है कुठे रे जाणार नाही ना रिटर्न जाते परत
इधर का टायर देखते रहो। घूमेगी पापा पापा बस बस ओके चलो। रास्ता खराब होने की वजह से अभी हमें वापस जाना पड़ रहा है यू टर्न लेकर जवार से होते हुए भी शायद ट्राई करूँ, देखता हूँ। अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो आप जरूर जाना, लेकिन देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। इतना खतरनाक रास्ता चढ़ के आया वैसे भी। है ना चलो जान तो अभी उतरना ही है ना, उतरने में टेंशन नहीं। टायर फंस जाता सच ही बोल रहा है वो, उसका फंस गया था, कैसा कैसा करके निकाला वो। सबके सब ना कॉमेडी कर रहे थे, अरे जाने लोग ना हाँ। गिर जाते तो वो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको, अपनी गाड़ी के अलावा कोई और चीज दिखी नहीं रही है। तो यार अगर आप खड़खड़ डैम से शिरपमपाल जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये रोड थोड़ा सा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस रोड में खड्डे हैं और पत्थर वगैरह है, कहीं कहीं पर कच्चा रोड है, लेकिन ठीक है। एक जगह पे मैं आगे जाते समय मुझे बहुत सारा कीचड़ मिला और कीचड़ मिलने की वजह से वहाँ पे एक ऑलरेडी एक बंदा फंसा हुआ था और उसने अपनी गाड़ी कैसे भी करके निकाली और उसने मुझे सजेशन दिया कि यहाँ से मत जाओ। फिर भी मैंने ट्राई की, मेरा भी टायर फंस गया था, लेकिन मैं समय रहते हुए वापस से बाइक आ गया। तो मेरे टायर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई, पूरा कीचड़ से पैक हो गया है, ये देखो सी। अगर समय रहते मैंने बाइक नहीं लिया होता तो शायद से मैं भी वहाँ पे फंस चुका होता। तो मैं इसलिए उस वहाँ पर जाने के लिए प्लान कैंसिल कर रहा हूँ, देखता हूँ अभी डायरेक्टली सनसेट पॉइंट पर जाता हूँ मैं। फिर चलो फिर, यहाँ का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, मुसीबत में पड़े बगैर निकल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है चलो, किधर खड्डा है ठीक है जवा, यहाँ से 11 किलोमीटर 25 मतलब पूरा रास्ता फिर से जाना पड़ेगा ना, खड़खड़ डैम के जो जहाँ से हम लोग आए वहीं से जाना पड़ेगा ना। अभी खुल गया होगा डैम, बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। टेम्पो चढ़ नहीं रही क्या ऊपर लोगी? ऐसा लग रहा गणपति गणपति में जा रहे। नहीं हाँ एक्चुअली लोगी टेम्पो नहीं चढ़ रही है, मालूम है क्या? अब तो रिवर्स लेता रहेगा, खाली उतर के चढ़ाए ना, नहीं रिवर्स ले रहे लोग। पीछे लो पापा, साइड में लो ना तुम, जैसे तुम चले जाओगे ना उधर से। पता नहीं लोग क्या करना चाहते हैं, दूसरे को रुका के रखे ऐसे गाड़ी फंस जाती है। एक्चुअली कीचड़ इधर भी हो रहा है, अभी शुरुआत है कीचड़ बनने की। सनसेट पॉइंट कुठे है? टायर साफ। तो अभी आ चुके हैं हम लोग सनसेट पॉइंट पर, सनराइज पॉइंट जवार में हनुमान पॉइंट को ही कहते हैं। हनुमान पॉइंट पे अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पर सनराइज़ भी देख सकते हैं, बट सनराइज़ आपको गर्मियों में देखने को मिलेगा या फिर ठंडियों में। और
सनसेट पॉइंट के लिए आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। सुबह से ड्राइविंग करते हुए काफ़ी थक चुका हूँ दोस्तों, और इसलिए मैंने सनसेट पॉइंट देखने के बाद में कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की। जवार में खाने के लिए होटल्स और उसके साथ में रहने के लिए कौन से होटल्स में रुकना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको देने वाला था, पर वो मैं आज के दिन नहीं दे पा रहा हूँ। वो मैं कल मॉर्निंग में आपको उठने के बाद बताऊँगा कि मुझे होटल यहाँ पर कैसे मिला, क्योंकि मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने कोई भी होटल बुक नहीं किया था। और यहाँ पर आने के बाद मैंने होटल सर्च किया और मैंने फाइंड आउट किया कुछ होटल्स जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए भी अच्छे साबित होंगे और कम पैसे में, मतलब बजट में होंगे। तो चलिए अभी सोता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। ये हमारी कार है और ये है गूगल द्वारा सजेस्ट किया हुआ वो रास्ता, और यहाँ पर है नेचर का ऑब्स्टेकल।